Hello dear friends, my name is Dr. Jyoti Tiwari. I am a homeopathic physician. Friends, today I have selected a very important topic, importance of mental symptom in homeopathy. हमारे जो beginners homeopaths हैं उनको mental symptom को लेकर एक बहुत बड़ा confusion है कि mental symptoms जो हैं उनको हर case में लेना है कि नहीं, बिना mental symptom के कोई prescription नहीं होता और मेंटल सिम्टम को किस तरह से लेना है, दे हैविंग ग्रेट कन्फ्यूज़न. फ्रेंड्स, जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं उनका होम्योपैथी में बहुत इम्पोर्टेंस है, हैविंग ग्रेट इम्पोर्टेंस इन होम्योपैथी. जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडी का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो मेंटल बेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल होता है और एक टोटैलिटी फॉर्म करते हैं. बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मेंटल सिम्टम हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते. If you are getting peculiar, striking, characteristic physical symptom, you can prescribe on the basis of these symptoms. वहाँ पे आपको किसी भी तरह के mental symptom की ज़रूरत नहीं है. ये जो confusion है हमारे mind से कि mental लेना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Mental symptoms हमें मिलते हैं, mental symptoms calls you. वो आपको खुद बोलते हैं कि इसका collection करो. जब पेशेंट आपके पास आता है उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ हिज सिम्टम्स होता है, जिस तरीके से वो अपने सिम्टम्स को आपके सामने रखता है और पेशेंट सिम्टम्स का नरेशन करता है, उस जिस एंजाइटी, जिस इंटेंसिटी के साथ सिम्टम्स को देता है, हमारा कलेक्शन हमेशा उसी बेसिस पे होना चाहिए. अगर हमें फिजिकल मिल रहे हैं तो फिजिकल बेसिस पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन होगा, एंड अगर हमें मेंटल सिम्टम मिल रहे हैं और वो बहुत पिक्यूलियर इन नेचर हैं तो वहाँ पर हमारा प्रिस्क्रिप्शन उस टोटैलिटी के बेसिस पर होता है. फ्रेंड्स, जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं उनको लेना नहीं पड़ता पेशेंट में, ये हमारे बीच एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मेंटल सिम्टम को कलेक्ट कैसे करें. जैसा कि मैंने पहले कहा, मेंटल सिम्टम्स कॉल्स यू, बिकॉज जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं दे आर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इन नेचर. ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं कि व्हाट फिजिशियन ऑब्जर्व इन हिज पेशेंट. जैसे कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनके साथ ग्रेट एंजाइटी होती है, अपनी उस सिकनेस को लेके बहुत एंजियस होते हैं, बहुत वरीड होते हैं, पेशेंट बहुत फ्राइटफुल होता है. दिस इज़ अवर ऑब्जर्वेशन. सब्जेक्टिव, जहाँ पे पेशेंट खुद एक्सप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत घबराहट हो रही है या मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इस कंप्लेन की वजह से, तो हम रन करते हैं कुछ जो हमारी पिक्यूलर रेमडीज़ हैं, नक्स, वोमिका, कैमोमिला, एनी बहुत सारी और रेमडीज़ हैं जहाँ पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन जिस तरफ से टर्न होता है. फ्रेंड्स, मेंटल सिम्टम्स का कलेक्शन करना ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है. मेंटल सिम्टम्स आपको मिलेंगे अगर पेशेंट में वो परसिस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट मेंटल. एंड फ्रेंड्स, जो होम्योपैथ होता है वो ऑटो प्रिस्क्राइबर होता है, और पेशेंट तो आपको अपनी कंप्लेन दे रहा है बट हमें वो आर्ट फॉर्म करना है, आर्ट हमेशा डिज़ाइन करना पड़ता है. अगर आप में कोई आर्ट होता है तो वो डिज़ाइन होता है, वो अधिकता है. तो आर्ट को किस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो जो मेंटल्स मिल रहे हैं आपको उस बेसिस पे कलेक्शन करना है, आपको जो फिजिकल मिल रहे हैं उस बेसिस पे कलेक्शन करना है. आपके केस में आपको क्या मिल रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडी का प्रिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है कि मेंटल होना ही चाहिए. अगर आपको पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम मिल रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडी प्रिस्क्रिप्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, बिल्कुल आप इसी बेसिस पे करिए. और अगर सिर्फ आपको कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक मेंटल्स मिले हैं, अगर वो मिलते हैं तो फिर आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है. फ्रेंड्स, ये टोटैलिटी है. यस, क्योंकि वो पेशेंट के कंप्लीट फ्रेम को, उसकी पर्सनालिटी को शो ऑफ कर रहे हैं. उसका वो जो मेंटल सिम्टम है, पेशेंट की पूरी पर्सनालिटी को आपके सामने रख रहा है, दैट इज़ टोटैलिटी. और वो फिजिकल लेवल पे भी है और वो मेंटल लेवल पे भी है. तो मेंटल सिम्टम्स का जो इम्पोर्टेंस है होम्योपैथी में, डॉक्टर बोनिंग हसन सर ने मेंटल सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए बोला है कि इफ़ दे आर कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर इन नेचर तो यू कैन प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्यूलैरिटी. बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन करना है. डोंट आस्क लीडिंग क्वेश्चन. कई बार हमें ये पता होता है कि मेंटल सिम्टम लेना ही है, उस बेसिस पे आप पूछते हो अपने पेशेंट से आपका नेचर कैसा है, आपको गुस्सा आता है कि नहीं, आपको वीपिंग आता ही है कि नहीं,
जब हम इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो पेशेंट मिसलीड होता है, मिसगाइड होता है कि हाँ गुस्सा तो आता है, ये सभी को आता है, उसे भी आ रहा है, रोना भी सबको आता है, उसे भी आ रहा है, लेकिन जो हमारे सिम्टम्स होते हैं ना उनकी एक इंटेंसिटी होती है, वेरीफाइड सिम्टम्स होते हैं, कन्फर्म्ड सिम्टम होते हैं, उन्हें हमें एक बारी में तो मिलते भी नहीं है, उनको 3-4-5 बार रिपीटेशन करना पड़ता है। तो यू ऑलवेज कलेक्ट कन्फर्म्ड सिम्टम, और वो कन्फर्मेशन कहाँ से आता है, पेशेंट के नरेशन से आता है, वो इंटेंसिटी पेशेंट शो करता है। सो यू शुड वर्क ऑन योर आर्ट कि हमें किस तरह से फिजिकल और मेंटल का कलेक्शन करना है, और मेंटल सिम्टम्स का इम्पोर्टेंस हमारे प्रिस्क्रिप्शन में है या नहीं, इसका डिटर्मिनेशन भी आपके मिले हुए सिम्टम पे डिपेंड करता है। डॉक्टर केंट ने भी मेंटल सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस दिया है, उन्होंने डिफ्रेंशिएशंस किए हुए हैं, और वहाँ पर भी हमें यही मिलता है कि इफ़ सिम्टम्स आर पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक इन नेचर यू कैन कलेक्ट देम, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म नहीं करना है। मेंटल के बिना प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है क्या? यस, इफ़ यू आर गेटिंग फिजिकल सिम्टम्स एंड दोज आर वेरी कन्फर्म्ड, वेरी वेरीफाइड, पिक्यूलियर इन नेचर, यू कैन प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ दीज पिक्यूलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है मेंटल। मेंटल अगर आपको मिलते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन करना है। कभी ये जो कन्फ्यूज़न माइंड में आता है कि मेंटल नहीं मिला या आपको फिजिकल भी नहीं मिला, कई बार हमें पिक्यूलैरिटी पेशेंट में नहीं मिलती है, और फिर हमारा एक कन्फ्यूज़न लेवल फिर से डेवलप होता है कि अब प्रिस्क्रिप्शन किस बेसिस पे होगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें हमारी जो केस टेकिंग होती है फर्स्ट विजिट में पेशेंट के जो पिक्यूलैरिटीज़ हैं वो नहीं मिलती, तो फिर हमें क्या करना है? हमें जो हमारा पेशेंट है उसको उसकी सेकेंड विजिट, थर्ड विजिट लेनी है, साथ में प्लेसिबो का प्रिस्क्रिप्शन करिए, और वो जो विजिट होंगी पेशेंट की वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एज आई टेल यू, मेंटल सिम्टम्स का हमारी होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंस है, बट इफ़ यू आर गेटिंग दीज मेंटल्स फ्रॉम योर पेशेंट्स, लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना है। मेंटल के बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड इफ़ यू आर गेटिंग पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल, तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फिजिकल बेसिस पे हो सकता है। होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आज का जो ये मेरा लेक्चर है बेसिकली मेंटल सिम्टम्स को लेकर जो कन्फ्यूज़न है उसको ही दूर करने का है। मेंटल्स के कलेक्शन के लिए हमें एक आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबर बनना पड़ता है। उन सिम्टम का जो कलेक्शन होता है वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे और पेशेंट के नरेशन पर होता है, वहाँ पे आपको कोई क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यू शुड प्रिस्क्राइब योर मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सिम्टम, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल सिम्टम। इफ़ यू आर गेटिंग मेंटल प्रिस्क्रिप्शन होगा, एंड इफ़ यू आर गेटिंग बोथ देन यू विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टोटैलिटी। थैंक यू सो मच।